करके बंदूक लेकर के दो चार जने बैठे रहते थे। फटाक दिए कुल्हाड़ी उसका गोड़ा लग, तो दिन में तुम निकलो तो दिन में तुमको मिर्गा हिरन मारने के लिए। ये है त्यागी महाराज जी की कुटिया जो कि मोकमगढ़ में रहते हैं और इस किले के बारे में रहस्यमय बात बताने वाले हैं। तो चलिए महाराज जी से बात करते हैं। छत उठा ही नहीं आ कहा तो काहे को किला किला हो थे छत बड़ा बंधेज हो ये तो ऐसे आ बना है। पहले के शिकारी लोग बनवाते थे मचान शिकार करने के लिए हाँ। जैसा अभी वो झोपड़ी बनी है ना, देख रहे हो ऐसा ऐसा झोपड़ी बना करके बंदूक लेकर के दो चार जने बैठे रहते थे। हम नदी के घाट और ऊपर से हिरन बारह सिंघा सांवर शेर जो कुछ भी आवे हम नजर पड़ गई सो मारिन फट। तो ये सब जो बनाए गए थे शिकार करने के लिए ही बनाए गए। यहाँ पे राजा आते थे शिकार करते थे फिर चले जाते थे। हाँ ये सही कह रहे हैं महाराज, क्योंकि भाई जंगल है पूरा, जंगल है पूरा। जितने भी आसपास किले बनाए गए शिकार करने के ये मचान मचान, मचान बनाए जाते थे। सही, चारों तरफ से घेर करके दो दो जने चार चार जने बैठे हैं। अब जिसकी नजर पड़ गई लिए बंदूक बैठे हैं चारों तरफ में। हाँ, हिरन बारह सिंघा निकले शेर मान लो जो जानवर रहा भालू जो कुछ भी सुमारी ना अपन फटाक दिए कुल्हाड़ी उसका गोड़ अलग नटई अलग सब अलग अलग करके बोरा में भरी साइकिल में लादिन ये पहुंच गए घरे अपन राम जी की इच्छा से बनाए बन रहा है। सही कह रहा है। हाँ वही गिर गए अब कहने के लिए जब जंगल में रह नहीं गया तो छोड़ देनी। बिल्कुल भाई अब यहाँ पे देखिए बस्ती हो गई। एक समय कितना घनघोर जंगल रहा होगा। बहुत घनघोर जंगल यहाँ तो दिन में तुम निकलो तो दिन में तुमको मिर्गा हिरन मारने के लिए दौड़ा है। अच्छा काट ले तुमको पकड़ करके जहाँ पा जाइ रास्ते चलते पकड़ लेंगी तुमको। अच्छा हाँ काट लेंगे मार देंगी सिंह गिरा देंगी। जंगल है हाँ ऐसा जंगल था। सही तुम इतनी धार माने निकल रहे हो तो उधर से फुसकार करके बैर जैसा मिर्गी या हिरन तुमको मार देंगी सिंह। सही कहने के लिए सही हाँ? तो महाराज जी भालू वालू भी तो होंगे। हाँ वही भालुए काट लेंगे इसने करेल ले गया अपनी गुफा में घुसेर दीजिए। अब आए नहीं आई अब नहीं आई अब आदमी होगी ना इतना ज्यादा। हाँ अब एक दुई चिड़ैया आई नहीं कहा कुछ नहीं। यहाँ महाराज जी रात में कोई भय डर तो नहीं लगता। अब जब कुछ है ये नहीं है तो काहे के भय डर। अब तो भय डर लगे रहता है भाई बंधेज नहीं अपन नहीं को प्रियाहीन भय मोही दिखरावा है ना। भगवान राम ने कहे कि हमारा जो है सीता का हरण हो जा है इसलिए मेरे को सब प्रकार से आए भय है। सही हवाओं से भय है धूपों से भय है पृथ्वियों से भय है आकाशों से भय है सूर्यों से भय है चांदों से भय है नदी तालाब से भी भय है कुआं बावड़ी से भी माने जो कुछ भी है जीव से भी भय है निर्जीव से भी भय है सबसे भय जड़ से भी भय है चेतन से भी भय है साधु से भी भय है राजा से भी भय है। सही बिल्कुल सत्य है सत्य बात। हाँ तो जब अब बताए कि सब वही है सीता होती तो भगवान राम को कोई भय ना होता। कोई भय ना हाँ काल को भी उखाए ले रहे थे। सही। काल भी हाथ जोड़ी से सीता के सामने राम से लेकिन सीता राम जी के सामने से जहाँ गई नहीं एक मिनट नहीं लाग कि सब उनको काल ही काल नजर आता है। सही
जो भी दिखाई पेड़ दिखाई दिया तो पेड़ उसको राम को खा लिया पकड़ के। नदी में गए सो पानिया खा लिया, सूर्य हुआ सूर्य को प्रकाश खा लिया, हवा खा लिया, समझो। अच्छा पृथ्वी में पैर रखें तो उनको धरती खा लेनी।